अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं सुपर मॉम और हम, और आज मैं आपको एक रेस्टोरेंट का विजिट करवाने वाली हूँ जो कि हैदराबाद की कौन से रोड पर है। तो बता दो, सही सही बता दो, कौन से रोड पर है? कासिम चौक पर है। कासिम चौक पर यहाँ पर आपको KFC नजर आएगा। इसके बैक साइड पर एक मार्ट बना हुआ है मरहबा, और मरहबा के ऊपर एक मरहबा रेस्टोरेंट है जहाँ मैं बैठी हूँ। आप ये व्यूज देखें, ज़बरदस्त व्यूज हैं, और यहाँ पे नीचे मार्ट भी बहुत अच्छा है, और बड़ी सीक्वेंस के साथ बड़े तरीके से इसकी सेटिंग हुई हुई थी, मुझे बड़ी पसंद आई इसकी सेटिंग। और ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, और यहाँ के आप देखें नज़ारे, ऊपर से आप नज़ारे देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ के खाने की हमने तारीफ सुनी थी, हमारी फैमिली मेम्बर्स पहले विजिट कर चुके थे, तो यहाँ का खाना मैं टेस्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या चीज़ यहाँ पर मंगवाई और कैसी लगी। रहिए मेरे साथ। पे ऊपर से आप देखेंगे तो ये देखेंगे ब्रांड्स हैं काफ़ी, अगर आप शॉपिंग भी कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अच्छा सा रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आउटफिटर्स भी है, और यहाँ के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग सब, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। खाना आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, हम काफ़ी देर से वेटिंग में बैठे हुए हैं, और ये हमारे साथ हमारी सासू माँ हैं, और ये सबायना है, और ये हमारे जो कि अभी टॉयस खरीद कर लाए हैं, बच्चे वाले, छोटे बच्चे वाले नहीं लाए। हमारी फलक ने टॉयस खरीदे, नीचे से नीचे ही मार्ट है और ऊपर खाना है, देखें। ये चिकन मलाई बोटी है, और ये फिश बोटी है स्पाइसी, और ये चिकन चीज़ हांडी है। तो जी अब हम ये टेस्ट करते हैं और ये आपको बताएंगे कि ये कैसा रहा यहाँ का, हमारा अंदाज़ा कैसा रहा कि ये खाना कैसा है। टेस्ट करने लगी हूँ, ये देखें आप, ये हांडी है, और ये मैं टेस्ट करने लगी हूँ, बता दूँ कैसा है। अच्छा है, हम खुली फिजा में बैठे हुए हैं, और बड़ा अच्छा ये एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और सबायना को भी बहुत मज़ा आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नीचे मार्ट है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स इसको मिल गए हैं, और फलक को टॉयज मिल गए हैं। आना है तो इधर आके बात करो, तो यही कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। ये आ गई फलक, फलक बताओ और फिर हम यहाँ से निकल गए, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसके व्यूज़ यहाँ के कितने अच्छे हैं, और एटमॉस्फेयर यहाँ का कितना अच्छा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिफ्ट का भी इंतज़ाम है, और हम चेयर से उतर गए क्योंकि सिर्फ सेकंड फ्लोर पर है, और फिर उसके बाद ही मार्ट का फ्लोर आ जाता है, इसके नीचे एक और फ्लोर था, और फिर उसके बाद हम जो है लॉन्ग ड्राइव पर चले गए दूर दूर तक, सन्नाटों में घूमते फिरते रहे। इन सन्नाटों के बाद जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रिज आता है वो हमारा मोस्ट फेवरेट ब्रिज है, और इस ब्रिज पे हम बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये बंद है, एक्चुअली ये बंद है, नीचे दरिया है, और फिर उसके बाद हम दूसरे ब्रिज से होते हुए आए जो कि हमारा दूसरा ब्रिज है कोटरी बैराज का, जो बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, और उस पर से ये देखिए ट्रेन किस तरीके से गुजर रही है, तो ये देखकर बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का रेस्टोरेंट का टूर? उसके साथ ही हम लोगों ने वो जो है नीचे मार्ट अच्छा था, और रेस्टोरेंट अच्छा है, खाना अच्छा था, आप लोग भी ट्राई करिएगा, जाइएगा ज़रूर, और मेरे नई वीडियो का इंतज़ार करिएगा मेरे चैनल।
साथ ही बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी टाइम नहीं निकाल पा रही मैं, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में हिम्मत नहीं होती, नींद बहुत आती है। तो आज हमें जाना था, स्लीपर्स लेनी थी, तो इस वजह से वॉकीज पे हम लोगों ने आज स्लीपर्स ली। वॉकीज पे अच्छी वैरायटी आई हुई है और आपको इंसिग्निया पे भी अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन वॉकीज पे रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, यानी कि अफोर्डेबल भी है और वैरायटी भी अच्छी है, जो आजकल फैशन में है वो सब डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो चलें, अब मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।